Welcome students, I am Sheikh Alauddin. Today we will discuss about your paper 2nd, graph theory. इसमें हम आज chapter 3 की study करेंगे. Chapter 3 का नाम है trees and fundamental circuits. इसमें सबसे पहले definition हमने study करनी है trees के बारे में. So what is tree? So definition of tree is a connected circuit free graph is called a tree. यानी एक ऐसी ग्राफ जो के कनेक्टेड हो एंड सर्किट फ्री हो, यानी जिसमें कोई भी सर्किट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दैट ग्राफ इज नोन एज ट्री. फॉर एग्जांपल, लाइक दिस, दिस इज अ connected graph and in this graph there is no circuit present, hence this is a tree. Okay, now a single vertex, isolated vertex bhi bolte hain, so that single vertex is also a tree. A single vertex without any edge can be considered as a tree. But in this chapter we are not interested like this tree. So हम जो trees study करने वाले हैं उसमें 2, 3, 4, 5 and so on, like these vertices are present in that trees. So हम ऐसे trees की study करने वाले हैं. So अगर two vertices के ऊपर एक tree अगर बनाया जाए, so it can be drawn like, okay, for three vertices it can be drawn like this and it is named as T1, T2. For four vertices I can draw T3. Okay, हम जब graph draw कर रहे थे तो हम उसको नाम दे रहे थे G1, G2, G3. Now for tree it is named as T1, T2, T3. Now next is properties of tree. So properties of tree आपको theorem के form में दिया हुआ है. So we study these theorems. So theorem number 1 is in a tree T, there exist one and only one path between every pair of vertices. क्या है प्रॉपर्टी के आपका कोई ट्री में हर वर्टाइसेस के बीच में ओनली वन पाथ
प्रेजेंट रहेगा, यानी उसी दो वर्टाइसेस के बीच में कोई दूसरा पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन केस अगर कोई दूसरा पाथ एग्जिस्ट करता है तो सर्किट फॉर्म होगा, और सर्किट फॉर्म हुआ सो फिर आपके जो ट्री की डेफिनेशन है वो फेल होगी। सो हाउ टू प्रूव दिस? प्रूव, सो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्री, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्री द ग्राफ इज कनेक्टेड, सो बाय डेफिनेशन ट्री टी इज कनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड ग्राफ, देयरफॉर अब कनेक्टेड ग्राफ है सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। कनेक्टेड ग्राफ के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हर वर्टाइसेस की पेयर के बीच में एटलीस्ट वन पाथ तो होना चाहिए। सो अब ये कनेक्टेड ग्राफ है सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस नाउ वी हैव टू प्रूव ओनली वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें सिर्फ के एटलीस्ट की जगह पे हमें क्या बनना है कि वो सिर्फ एक ही पाथ रहेगा हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में। सो सपोज ऑन कॉन्ट्ररी के वहां पे एक अनदर पाथ प्रेजेंट है, सो नाउ सपोज इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट पाथ बिटवीन टू वर्टाइसेस ए एंड बी ऑफ टी। ए और बी ऐसे दो वर्टाइसेस हमने सपोज किए हैं जिसमें जो टी में प्रेजेंट है और वहाँ पे दो पाथ प्रेजेंट है एक दूसरे पर जाने के लिए। फिगरली अगर इसको ग्राफिकली मैं ड्रॉ करूँ सो लाइक दिस, अगर आपका सपोज कोई ऐसा लाइक ट्री है, ठीक है, ये ए बी सी डी, ओके ना, अभी यहाँ पे एक पाथ दिख रहा है, सपोज लाइक दिस एक अनदर पाथ है जो कि ए और बी से जाता है, सो क्या होगा, देन द यूनियन ऑफ दीज टू पाथ्स कंटेन अ सर्किट। जैसे कि आपको एक फिगर में दिख रहा होगा कि अगर मैं ये दोनों पाथ का यूनियन ले लूं, ओके, सो ए टू बी एंड बी टू ए, सो ये एक सर्किट फॉर्म हो गया, सो यूनियन ऑफ दीज टू पाथ कंटेन अ सर्किट इन टी, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ ट्री, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टू द डेफिनेशन ऑफ ट्री, बिकॉज ट्री डज नॉट कंटेन एनी सर्किट एंड टी इज अ सर्किट फ्री ग्राफ। सो इट मीन्स के अगर एक ट्री है जो कि कनेक्टेड ग्राफ है एंड हर पेयर के, इसीलिए हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में, इन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पाथ, हेंस प्रूव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थ्योरम टू,
इन अ ग्राफ जी इफ there is one and only one path between every pair of vertices, then G is a tree. आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है इन अ ग्राफ जी, आपकी कोई ग्राफ है और उसमें इफ देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस देन जी इज अ ट्री। अगर आपकी कोई ग्राफ है जिसमें आपके हर वर्टाइसेस की पेयर के बीच में सिर्फ एक ही पाथ है एक दूसरे पर जाने के लिए, सो दैट विल बी अ ट्री। दिस इज ऑब्वियस बाय डेफिनेशन ऑफ ट्री, ये ट्री की डेफिनेशन ही है। सो अगर ये ट्री की डेफिनेशन अगर कोई आपकी ग्राफ फॉलो करती है देन ऑब्वियसली दैट विल बी द ट्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ ट्री टी, a tree T having n vertices has n minus 1 edges. Proof. नाउ अभी आपका कोई ट्री है जिसमें n वर्टाइजेस हैं, सो उसमें n माइनस वन एजेस रहेंगे, आपको प्रूफ करना है। सो ये थ्योरम को, ये प्रॉपर्टी को हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड आपको पता है। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए आप क्या करते हैं, पहले वन के लिए प्रूफ करते हैं, फिर n के लिए सपोज करते हैं एंड देन फिर n प्लस वन के लिए प्रूफ करते हैं, या फिर 1 के लिए प्रूफ करते हैं एंड n माइनस वन के लिए सपोज करते हैं और n के लिए प्रूफ करते हैं। सो ही है फर्स्टली वी प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू So we prove this result by mathematical induction. Okay? और ये mathematical induction हम किसके लिए ऊपर apply करेंगे? On नंबर ऑफ वर्टाइसेस, हम नंबर ऑफ वर्टाइसेस के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करने वाले हैं। सो वन के लिए अगर हम ले, सो इससे पहले भी जब मैं ट्री की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी, सो जो वन वर्टेक्स होता है, ओनली वन वर्टेक्स, सो उस वो भी एक ट्री होता है, लेकिन हम ऐसे ट्रीज की स्टडी नहीं करने वाले हैं। सो मिनिमम यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, टू लेने वाले हैं। सो क्लियरली if tree T has two vertices then T is a tree obviously, and it looks like as ये दो vertices के बीच में
एक एज रहेगा और ये हमारा एक टी वन रहेगा, बिकॉज देर इज नो सर्किट प्रेजेंट. नाउ now we observe that in T there are n is equal to 2 vertices and n minus 1, that is 2 minus 1 is equal to 1 h. अभी हमने देखा ये T में जो हमारे T1 ग्राफ है या T1 ट्री है इसमें कितने vertices हैं, 2, यानी n is equal to 2 है हमारे पास and number of edges कितने हैं वो 1 है. सो बाय फॉर्मूला जो हमको प्रूव करना है उसमें ये एकदम एग्जैक्टली फिट होता है. कैसे, n इज इक्वल टू 2 लिया सो नंबर ऑफ वर्टाइसेस 2 हो गए एंड n माइनस 1 एजेस रहने चाहिए सो 2 माइनस 1 दैट इज 1 एज प्रेजेंट है. देयरफॉर दैट स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2. ऑल्सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3. n इज इक्वल टू 3 यानी क्या, 3 वर्टाइसेस होने चाहिए. थ्री वर्टाइसेस में 3 वर्टाइसेस हैं और 3 माइनस 1 दैट इज 2 एजेस प्रेजेंट है. नाउ कंटिन्यू इन दिस वे अप टू n वर्टाइसेस सो दैट इज इंडक्शन स्टेप. एट द इंडक्शन स्टेप व्हाट वी गेट, so for tree of n vertices, अब अगर n vertices है so what we get, ये v1 एक tree है and v2 एक another tree है. अब ये n vertices के ऊपर है so n vertices हम लाइक दिस ड्रॉ कर सकते हैं. सो v1 के अंदर क्या है, v1 में n माइनस 1 vertices हैं, n माइनस 1 vertices हैं सो बाय दिस रूल यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 एजेस प्रेजेंट होंगे. इसी तरीके से v2 जो है, v2 के अंदर 1 वर्टेक्स प्रेजेंट है तो देन ऑब्वियसली 1 माइनस 1 इज 0 यानी 0 एज है. नाउ दिस वर्टेक्स, अब यहाँ पे कोई एज नहीं है सो ये वर्टेक्स v1 में से कोई वर्टेक्स से ज्वाइन है विदाउट क्रिएटिंग अ सर्किट. हेंस v1 यूनियन v2 क्या रहेगा, v1 में n माइनस 1 वर्टाइसेस है और इसमें एक वर्टेक्स है सो n माइनस 1 प्लस 1 आपको क्या मिलेगा, n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n वर्टाइसेस. ठीक है, एंड देन एजेस आपको मिलेंगे n माइनस 2 और इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे कोई एज प्रेजेंट नहीं था v2 में कोई एज प्रेजेंट नहीं था लेकिन ये वर्टेक्स को आपने v1 के किसी वर्टेक्स से ज्वाइन किया एंड देन यहाँ पे ये जो है ये एक एज प्रेजेंट हो गया सो ये एज यहाँ पे ऐड होगा सो प्लस 1 and then this is n minus 1 ages. So this statement, जो आपको statement दिया हुआ था, कि अगर कोई n vertices की graph है, tree है, so उसमें n minus 1 ages होंगे. This holds for n vertices. Thus the given statement is true for n vertices whenever it is true for 1, 2, 3 up to n minus 1 vertices. Hence, by the principle of induction, the statement is true for all n.